YouTube चैनल कैसे हैं आप सब। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये एक्टिंग वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो एक्टिंग का पसंद आया है तो मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, यानी कि यू नो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आप लोगों को करती रहूंगी। थोड़ा सा एंटरटेन करने से आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगी, क्योंकि बड़ा मजा आता है कोई डिफरेंट तरह की वीडियो आप लोगों को देने का। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो एक समर स्पेशल फेस पैक। गर्मियों में सन टैन बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्ने पिंपल्स मुझे बहुत हो रहे हैं, तो दो तीन दिन से मैं इसे कंटिन्यू यूज कर रही हूँ, जिससे मेरे जो ऑयल है वो भी बहुत कंट्रोल में आया है और इसके साथ साथ एक्ने पिंपल्स पे भी इसने बहुत अच्छा कंट्रोल पाया है। तो आई एम श्योर ये रेमेडी आपको भी बेस्ट लगेगी, तो आप इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये रेमेडी बहुत बेनिफिशियल है, इसे बनाना बहुत ईजी है। एंड गाइज इसमें जो मैंने विटामिन सी यूज किया है, विटामिन सी का कोई कैप्सूल नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, लेमन यूज किया है, लेमन का जो पिल है हमने वो यूज करना है, उसको कद्दूकस करना है, उसकी ही हमने रेमेडी तैयार किया है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को हमने किस तरह से बनाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेमन लेना है, यानी कि नींबू। आपने नींबू को कद्दूकस करना है, उसके छिलके को कद्दूकस करना है आपने, और दोस्तों एक चम्मच आपने उसका ले लेना है। दोस्तों लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेमन के अंदर पाया जाता है, जो गर्मियों में हमारे चेहरे में एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, सन टैन हो जाता है, उसे रिमूव करने में लेमन हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, हेल्दी है हमारी स्किन के लिए। तो दोस्तों अब हमने इसके अंदर डालना है एक चम्मच बेसन। बेसन जो हमारे चेहरे के एक्स्ट्रा ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है, जो हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है जिससे हमारे चेहरे पे एक्ने पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसे कंट्रोल में करने के लिए हमने बेसन का इस्तेमाल करना है। गर्मियों में बेसन के उपटन बहुत बनते हैं, बेसन को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रंग को निखारने का काम भी करता है। तो हमने एक चम्मच बेसन इसका इसके अंदर डाल देना है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हनी। हनी हमारे चेहरे को सूद सॉफ्ट करता है और हमारे चेहरे के रिंकल्स को और फाइन लाइंस को दूर करता है, हमारे चेहरे पे यंग लुक लेकर आता है, यानी कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो हनी के अंदर होती हैं। तो हनी यूज़ करना बिल्कुल मत भूलें, वो इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। और अब हमने बहुत ही स्पेशल चीज़, एंटीसेप्टिक चीज़ इसके अंदर डालनी है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व भी हैं, और वो है दोस्तों पिंच ऑफ टर्मरिक, यानी कि एक चुटकी हल्दी। हल्दी इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। हल्दी हमारे चेहरे के एक्ने पिंपल्स को दूर करती है, चेहरे को निखारती है, गोरा बनाती है। तो सभी चीज़ों को अब आपने मिक्स कर लेना है। और अब हमने लेनी है ग्रीन टी। ग्रीन टी को आपने ठंडा करना है, और दोस्तों उसकी मदद से, उस पानी की मदद से, ग्रीन टी वाटर की हेल्प से आपने इस रेमेडी को बना लेना है, इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। पूरे चेहरे पे आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। आप इस रेमेडी को हर रोज भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। दोस्तों लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगी तो सर्कुलर मोशन में अच्छी तरह से अपने फिंगर टिप्स की मदद से चेहरे को आपने स्क्रब करना है। स्क्रब करने से स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी, निखर भी जाएगी, एक से दो लेयर तक लाइटन भी हो जाएगी। ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे सन टैन का जो कालापन चेहरे पे आ जाता है, नेक के एरिया पे आ जाता है, वो रिमूव हो जाएगा। आप इसे हर रोज भी ट्राई कर सकते हैं। एंड गाइस रात को सोने से पहले अगर आप इसे करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, तो इसे रोज यूज जरूर कीजिएगा। समर है, समर में आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, इसे ट्राई करें। इसके रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो एवरीबॉडी आई एम श्योर आपको ये रेमेडी जरूर पसंद आई होगी। अगर रेमेडी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मिलता है हम लोगों को बहुत हौसला नई वीडियो बनाने का, नई रिसर्च करने का। एंड गाइज अगर कोई चीज मिस हो गई है तो मेरी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइज मेरा नया चैनल अमजित ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में वहां पे मैं आपके साथ करती हूँ बहुत ही गप्पे शप्पे, वहां पे जरूर सब्सक्राइब करें। एंड गाइज इसके अलावा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना आपने बिल्कुल ही भूलना है, ताकि नया वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।